राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम तुम्हारी आवदे पुरी में। राम रामा इन महाराम रामाय सत्यम अस्ति। मुस्लिम ने गा डाला राम का भजन। ये जो लड़की है आपने देखा राम का भजन गाते हुए, ये हमारे भारत की है और ये राम का भजन गा के वायरल हो गई है और इनका सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वीडियो वायरल चल रहा है। तो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया है, लेकिन मैं आपको जो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ आप देख के चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी राम के बारे में, हिंदू के बारे में और मंदिर के बारे में क्या क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का भी बयान आया है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी हिंदू के बारे में, मंदिर के बारे में क्या क्या बोलते हैं। तो पहले आप इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए। हमें ये हो रहा है कि मंदिर तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये यार कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखे दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है। बने वो बड़ा, वो तो अकलियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है वो तो वो हक है, इस वजह से बना। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी है, ये भी है, क्रिश्चनाइज्म भी है। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों वो होने दें, लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में को खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है। अब लाइक हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मंदिर बनता है तो ऑफ कोर्स हमारे जो हिंदू कम्युनिटी हमारे मुल्क में है वो भी यही चाहेगी कि हमारा कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस वाला बंदा है जिसको सब जानते हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद बजाते खुद 10 साल दुबई रह के आया हूँ और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने वहाँ पे देखी है कि वहाँ पे मंदिर और गिरजा चर्च और मस्जिद जो है वो साथ साथ है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि इवन उन्होंने अब जो हिंदुओं के लिए वो जो सिखों के लिए गुरुद्वारा भी बना दिया है वहाँ पे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसमें इसको आप याशी का बात नहीं कह सकते, आप उनको मजहबी आज़ादी दे रहे हैं जो कि उनका एक बिल्कुल हक है आपके मुल्क में वो रह रहे हैं। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मुसलमानों का यह हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं हम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं जो भी मर्जी बनाते हैं तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी ले हैं उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ, हमने नहीं बनाया उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी हिंदू के बारे में, मंदिर के बारे में, काफ्री के बारे में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर में हिंदू को काफ्री बोला जाता है और ये इस्लाम में लिखा गया है कि हिंदू काफिर है, हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं दुबई शेख का वीडियो, दुबई शेख ने ऐसा बयान दिया है जो आपको देखनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप दुबई शेख का बयान सुन लीजिए, दुबई शेख गुस्से में क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, आजकल बहुत आदमी डिग्री लाते सब फेक डिग्री, सब नकली डिग्री। आप लोग क्या समझते हैं, तुम लोग जानते तुम लोग किधर है, तुम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, हम लोग मून तक पहुंच गया और तुम लोग लाते ये फिक्स डिग्री, तुम लोग समझते हम लोग नहीं मालूम होएगा। तुम लोग जो भी करेगा, जो गलती करेगा यूएई में मत समझो आप लोग नहीं पकड़ जाएगा, और ये भी एक बड़ा बड़ा जुर्म है अगर तुम लोग पकड़ा और ये फिक है और हम मालूम है सब नकली है। तुम लोग मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग का मुल्क का नाम खराब मत करो और तुम लोग का नाम मत खराब करो, तुम लोग सब ये नकली नकली चोर हो, ये चोर लोग का पीछे चोर हो। तुम लोग क्या समझते, एक आदमी आया 1000 डिग्री है उसके पास कैसा, और उसका साल शायद 30 साल है या 25 साल है, इतना डिग्री कैसा, यानी बच्चा भी मालूम है कि तुम झूठ बोलते है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये छोर लोग से आपने देखा कैसे जो है दुबई शेख ने अपना बयान दिया है। देखिए गुस्से में देते हैं लेकिन परफेक्ट बयान देते हैं।
हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा दुबई में जो काम करने लोग हैं उनके लिए हमेशा अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।